खातिर आप लोगों को एक गाइड करने जा रही हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिया जाता है अगर आपको अब्रॉड स्टडी में जाने के लिए। तो खुशी, इसका नाम ऐसे मुस्कान श्रीवास्तवा है बट घर का नाम इसका खुशी है। तो खुशी, मैं हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे 12th कर लेते हैं बोर्ड्स, उसके बाद बहुत सारे बच्चे का चॉइस होता है कि वो अब्रॉड जाए स्टडी करने के लिए। हाय एवरीवन, बाहर जाना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, अंडरस्टैंड। जब मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था ग्रेड 12 के बाद, सो मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इवन आई हायर्ड अ काउंसलर जो मुझे गाइड करे कैसे बाहर जाने, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम बाहर, मैं अपने फैमिली में फर्स्ट किड थी जो बाहर पढ़ने जा रही थी, तो हमें इतना नॉलेज नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो काउंसलर आपको गाइड करता है, आपका यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करता है, आप उन्हें बताते हो कि आपको कौन से कंट्री में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, तो आपका पूरा वो हेल्प करते हैं। सो आई वेंट टू ग्लोबल रीच इन कोलकाता, इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। उन्होंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा सारा काम किया था। मेरा पहले प्लान था इनिशियली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा का। इनफैक्ट सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का था ही नहीं प्लान, अमेरिका एंड कैनेडा का ही था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई SATs, आई इवन गेव माई SATs, बट देन आफ्टर आई स्टार्टेड हैविंग मोर आइडिया कि बाहर पर लाइक मेरे क्या क्या ऑप्शन है, थोड़ा सब कंट्रीज का आइडिया हो गया, तब आई रियलाइज कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेटर फिट फॉर मी। अमेरिका एंड कैनेडा में बहुत कोल्ड हो जाता है एंड आई एम नॉट अ वेरी विंटर पर्सन, एंड मेलबर्न हैड बीचेस एंड इट वाज वार्म, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। सो माय काउंसलर, दे लिस्टेड मी सम यूनिवर्सिटीज, उन्होंने मेरा कोर्स के अनुसार बताया कि इनमें आपका कोर्स है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि अकोमोडेशन कैंपस के अंदर ही रहे एंड जो बहुत डाइवर्स भी हो, मेरे को हर एक इंटरनेशनल लोगों से मिलने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले। जब आप अप्लाई कर देते हो यूनिवर्सिटीज़ में, फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका फिर ऑफर लेटर आता है। आफ्टर आपका ऑफर लेटर आ गया ऑस्ट्रेलिया से, तो एक COE होता है, कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको फिर जब, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जब मेरे को जाना था, तो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन वेबसाइट है ऑफिशियली, वहाँ पर मेरे को अपना लॉग इन कर पूरा सारा एप्लीकेशन उसमें डालना था। आपको सारा डॉक्यूमेंट डिजिटली स्कैन करके डालना होता है एंड लकली आई हैड टू डू नो वर्क, माई काउंसलर शी डिड everything, like I just had to provide her all my documents. आपको एक बहुत बड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना होता है कि what is your reason of going to college, and वो लिखना था, तो वो सब तुमको खुद लिखना होता है कि काउंसलर लिखती है? नहीं नहीं नहीं, वो सब काउंसलर विल ओनली हेल्प यू टू लाइक अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई, बट मार्क्स तो आपको खुद ही लाना है, राइट? लाइक IELTS एक एग्जाम होता है, इंग्लिश एग्जाम, वो आपको देना ही देना होता है जब आप इंडिया से फर्स्ट टाइम जा रहे होते हो। अमेरिका एंड कनाडा के लिए SAT होता है एंड UK एंड ऑस्ट्रेलिया एंड मे बी यूरोप के लिए IELTS होता है। सो आई एक्चुअली गेव बोथ, आई गेव SAT बिकॉज आई थॉट इनिशियली आई एम गोइंग टू अमेरिका और कनाडा, बट देन जब ऑस्ट्रेलिया हो गया सो आई गेव IELTS एज वेल। बेस्ट थिंग अबाउट अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया इज वो आपका पासपोर्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज आप नॉर्मली कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई करोगे दे टेक योर पासपोर्ट, पर इसमें सिर्फ स्कैन कर लेते हैं एंड फिर आपको मैक्सिमम 1 month में मिल जाता है। मेरा इट टुक 19 days एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर इट, एंड आई रिमेंबर जब मेरा वीज़ा आया भी था, हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे कुछ बाहर से, एवरीवन वाज स्लीपिंग, एवरीवन हैड द मील, आफ्टरनून में सब आराम कर रहे थे और मेरा मेल आया, आई स्क्रीम लाइक एनीथिंग, मैं हर जगह चिल्लाने लग गई घर पर, एंड आई वाज गेट सो स्केयर्ड कि हुआ क्या, व्हाई शी इज स्क्रीमिंग, व्हाई शी इज चैटिंग, दे स्लीप मम्मा एंड माय 2 chachis एंड माय कजिन्स, दे वर लाइक जस्ट चिलिंग ओवर देयर। I came and I'm just jumping on the bed. I'm like, mama, visa aa gaya. I mean, they got so scared, kya ho gaya? But anyways, it was, I think, one of a very happiest moment for me, because then it hit me, ki, oh shit, I'm actually going outside to study. And my, honestly, my Australia experience was just absolutely amazing. Few more things that you have to do is, जब का प्रोसीजर चल रहा होता है, आपका हेल्थ चेकअप होता है, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होता है, आपका फंड्स वो देखते हैं लाइक 28 डेज तक आपके बैंक अकाउंट में उतना सफिशिएंट फंड है कि नहीं है, तो कुछ अमाउंट होता होगा फिक्स, आई मीन सबका अलग होता है। जैसे अभी मैं यूके का कर रही थी, यूके का अलग था, वो वेबसाइट में लिखा हुआ होता है, लाइक जब इमिग्रेशन वेबसाइट में आप ऑफिशियली लॉग इन करेंगे, इट्स नॉट वेरी हार्ड, लाइक अगर मेरे पास काउंसिल नहीं भी होता, आई थिंक आई कुड हैव स्टिल डन इट, बिकॉज बहुत ईजिली लिखा हुआ होता है। टू सबमिट अप, बेसिकली यू नीड योर ऑफर लेटर, यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द कंट्री जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, देन जो एग्ज़ाम, जैसे इंग्लिश एग्जाम का IELTS या SAT देना है आपको, वो चाहिए होता है, एंड फंड्स शो करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो लिखना होता है, दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स, और भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको वेबसाइट में लिखा हुआ होता है। मेरे को एक और सेकेंड क्वेश्चन इससे ये पूछना था कि पेरेंट्स द
दे शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन फॉर योर ग्रेजुएशन और फॉर मास्टर्स? I mean, this is a very, depending on the family, to be very honest, I was lucky that I got the opportunity for both my graduation and masters. Like, a lot of kids, jinko bahar jana hota, I mean, dono ke, jab main bahar graduation ke liye gayi thi, there were a lot of Indian students. Masters ke thode zyada the Indian students, because especially if they wanna settle outside, because after masters, I mean, dono ke baad hi aapko work visa mil jata hai. But as a every Indian parent, like they want their kid to be extremely qualified. They don't want ki bas graduation hi ho jaye mere bacche ka. They want ki masters karke fir properly job kare. And I just wanted to know ki if they get benefit or not. Agar abroad mein tum padhai kar rahi ho, India mein benefit hai ki abroad mein bhi benefit milta hai ki nahi as a for a job? I mean, benefit is anyway like India mein obviously aapko India mein bhi itna sara opportunity hai, bahar bhi hai. वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए. अगर आपका बचपन से ही प्लान था या फिर लाइक लेटर ऑन इन लाइफ यू वो लाइक नो आई वांट टू गो आउटसाइड एंड अब्रॉड, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वांट अ डिफरेंट लाइफ, तो बाहर जाइए. एंड बाहर इतना अपॉर्चुनिटी, तभी तो आई मीन जिनके पेरेंट्स उतने भी शायद से वेल ऑफ नहीं है, वो फिर भी अपने बच्चों को पुश कर कर भेजते हैं अब्रॉड, बिकॉज मे बी दे वॉन्ट दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. सो इट्स नॉट की वॉट इज बेटर, इट इज़ वॉट यू वॉन्टेड. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू go and study somewhere in abroad, like probably since I was 10 or 11 years old, I just knew ki meko bahar, because mere papa itna travel karte the, hum log bahar dekhte the, to mujhe man karta tha ki main bhi wahan par bahar padhu, and I was lucky and grateful to get that opportunity. But definitely bahar padhne ka meko ek difference zarur laga. India mein we are very lucky and privileged to have the luxury of like हमें कोई इतना काम नहीं करना होता. अगर कोई बच्चे यूनिवर्सिटी में पीजी में भी रह रहे तो यू नो कोई सर्वेंट या समथिंग है उनका काम करने के लिए. बाहर बिल्कुल नहीं है ये सब. आपको अपना कपड़ा धोने से लेकर ग्रोसरी शॉपिंग से लेकर अपना झाड़ू पोछा से लेकर एवरीथिंग यू हैव टू डू लाइक इट डज नॉट मैटर. इसी बहाने बच्चे सीख भी तो लेते हैं. I mean, मैंने बचपन से घर पे कुछ काम नहीं किया था. मैंने पहली बार लाइफ में अपना कोई कपड़ा धोया था. मैंने पूरा रूम साफ, मेरे को कपड़े फोल्ड करना भी नहीं आता था. इमेजिन में वहां पर मैं कपड़ा फोल्ड करना भी सीख. आज की डेट में ये मेरी बेटी बिल्कुल फुल ट्रेंड हो गई है. आई मीन यार, बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को. तो बहुत बेनिफिट हुआ. डेफिनेटली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आई इवन चोज बिकॉज मेरा कोई फैमिली या फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे वहाँ पर. तो मेरे को था कि एटलीस्ट मैं खुद से वहाँ पर रहूँगी तो खुद से सब कुछ सीखूंगी. एंड दैट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई थिंक, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स अपने वहाँ पर बहुत बना लिए, चाहे वो इंडियन हो या कोई ऑस्ट्रेलिया से हो, अमेरिका से हो, जर्मनी से हो. दैट इज़ अ वेरी वन गुड वे. एंड ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटी सो मेनी. इंडिया में जब लोग का ग्रेजुएशन चलता है तो लोग उतना पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं. वहाँ पर तो मतलब आई टोल्ड यू पार्ट टाइम जॉब में वहाँ पर पढ़ाई करते करते जॉब कर रहे हैं, दे स्टार्टेड अर्निंग ना. एंड नॉट लाइक यहाँ पर तो एक्चुअली वोंट गेट टू सी दैट मेनी किड्स डूइंग दैट, बट वहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स के चेकआउट काउंटर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते ही रहते हैं. मेरे को लगता है ना कि वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं तो उन लोगों को वैल्यू ऑफ लाइफ ये समझ में आता है कि कोई एक तो शर्म भूल जाते हैं. छोटा भी हो उन लोगों को उतना बुरा नहीं लगता, बट वही काम अगर इंडिया में करना हो एग्जैक्ट तो उन लोगों को बहुत शर्म आएगा कि मैं मैकडॉनल्ड में कैसे काम करूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स को देख लेंगे तो क्या फील करेंगे. आई मीन नॉट इवन दैट, बट बिकॉज बाहर का यहाँ का मैकडॉनल्ड सैलरी एंड वहाँ का मैकडॉनल्ड का जमीन आसमान का डिफरेंट है. वहाँ का अगर आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हो तो आप लिटरली अपना रेंट एंड वहाँ का लाइक यू नो रहना खाना पीना यू कैन हैव इन दैट, यहाँ पर नहीं कर सकते. सो दैट आई अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाई वी डोंट डू इट. बाहर का पे रेट इज हायर. लंदन जा रही है सितंबर में. प्लान तुम्हारा क्या है वहाँ जाके? आई मीन आई ऑनेस्टली आई रियली वांटेड टू पार्ट टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, पर अभी जब व्हेन आई एम गोइंग टू लंदन आई 100% आई लुक फॉर अ पार्ट टाइम जॉब. चाहे आप कोई भी कंट्री में जाओ तो स्टूडेंट वीजा में आपको एट अ सर्टेन आवर्स अलाउड होता है वर्क करना. यू कांट डू अ फुल टाइम जॉब, बट मेरा भी यूके में 20 आवर्स पर वीक अलाउड है. माई गोल इज कि एटलीस्ट आई कैन पे द रेंट बाय माई सेल्फ, बिकॉज मेरा कैंपस सेंट्रल लंडन में और मेरा अकोमोडेशन भी सेंट्रल लंडन में. एंड आई नो द रेंट इज रियली हाई, वहाँ का एक्सपेंडिचर इज रियली हाई. सो आई डू वॉन्ट अ हेल्प आउट अ लिटिल बिट एंड आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ. सो इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट ऑब्वियसली आई बी विलिंग टू डू इट. एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन लर्न ऑल्सो वाइल डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब. So of course, like when I'm really looking forward to live that independent life and finally be out of the comfort zone. Like ghar pe itna comfortable rehta hai, bahar I'm ready to hustle now and make a
make something of myself, you know. और मेरी डॉटर जब जा ही रही है तो प्लीज आप लोगों का गुड विशेस तो जरूर होगा इसके साथ. क्या खुशी. I mean, finger crossed, I'm very excited and I hope I get all of your good wishes and I'm very excited. And अगर आप में से किसी को कोई भी questions है बाहर पढ़ने के लिए, कोई भी questions है तो आप नीचे comment में लिख दीजिए and I'll reply from मम्मा का पेज. And I hope whoever is looking to study abroad or wants to go in future, ये video आपको help करे and good luck to your future as well. Bye!